नमस्कार दर्शकों, दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, मैं पंडित अनुज तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पंडित के टोटके में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सबके घर की एक ही प्रॉब्लम होती है, सबके घर की एक ही परेशानी होती है, आर्थिक परेशानी। किसी का घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में आर्थिक परेशानी, आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़ता हो। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आपके घरों में कलह, दुर्घटना आदि भी बनी रहती होगी। कोई घर से निकलता होगा तो आपके मन में ये बात जरूर चला करती होगी कि शायद वो कहीं चोट ना खा जाए, शायद किसी से विवाद ना हो जाए, शायद ऐसा कोई गड़बड़ काम ना हो जाए जिससे मन अति व्याकुल हो उठता है। दोस्तों, इन सब का कारण ग्रह ही नहीं होते, हमारे कुछ दोष भी होते हैं। जीवन में बहुत तरह के दोष व्यक्ति के लगे होते हैं, जैसे काल सर्प दोष, कुंडली दोष, ग्रह दोष और पितृ दोष, और भी बहुत से दोष होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पितृ दोष के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर पितृ दोष होता क्या है, इससे घर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इसको खत्म करने का उपाय क्या है। उपाय आपको इतना बेहतरीन बताने वाला हूं कि केवल एक उपाय करने मात्र से आपके घर से पितृ दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं पितृ दोष होता क्या है। दोस्तों, कभी कभी कुंडली में पितृ दोष अपने आप ही लगा होता है। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य न किया जाए फिर भी पितृ दोष होता है, यह कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्धारित होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के हिसाब से ही हमको पितृ दोष मिलता है। दोस्तों, पितृ दोष बड़ा ही खतरनाक दोष होता है। आजकल कोई ऐसा घर शायद ही होगा जो पितृ दोष से बचा होगा। अगर उपाय नहीं किए गए तो परिणाम और भी दुर्लभ हो सकते हैं। दोस्तों, पितृ दोष क्या होता है, पितृ दोष कैसे होता है, यह भी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। कभी कभी पूर्व जन्म के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल लोग मरने के बाद किसी का दाह संस्कार सही से नहीं करते, तेरहवीं संस्कार सही से नहीं करते, उसका भी कारण पितृ दोष होता है। दोस्तों, यह हमको आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके घर की कुछ स्थिति के अनुसार इसका पता लगाया जा सकता है कि आखिर यह पितृ दोष है या नहीं, आप भी इसका पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने घर में देखें कि आपके घर की स्थिति क्या है, क्या आपकी आर्थिक स्थिति बराबर कमजोर होती जा रही है या फिर आपके घर में कलह की संभावना बढ़ रही है और दुर्घटना आदि भी आकस्मिक हो रही है, कोई घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा है, तो फिर आप जरूर समझिए कि आपके घर में पितृ दोष है। दोस्तों, इसकी शांति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूर्णिमा या अमावस्या के दिन एक तिल का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से बनाई हुई दीपक जिसमें रुई से, आप चार मुख वाला दीपक जरूर बनाइए। चार मुख वाला दीपक बनाने के बाद आप किसी ऐसे सुनसान बरगद के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे उसे जला दीजिए। जलाने के बाद वहां पर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पीपल बहुत ही पूजनीय वृक्ष होता है, इस पर सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। कहते हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों का वास इसमें होता है, साथ ही सभी देवी देवताओं का भी इसमें वास होता है। आप अगर इसके समक्ष एक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन दीपक जलाते हैं, चौमुखी दीपक जो कि तिल के तेल का हो, वो जलाते हैं तो
आपके घर का पितृ दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आपके घर में भी मंगल कार्य होते हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होती है, साथ ही घर की कलह, दुर्घटना, आकस्मिक संभावनाएं जो होती हैं इसकी, वह भी समाप्त हो जाती हैं और आप भी धीरे धीरे तरक्की करने लग जाते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सटीक उपाय है। अगर आप करके देखेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए उपाय के साथ। लेकिन आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं आपको यह जानकारी कितनी पसंद आई। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।